सुखी राम। हाँ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी है? हाँ। तो बड़े साहब से मेरी सिफारिश करो ना। ये नामुमकिन है सुखी राम, लेकिन एक काम करो, बंगले पर जाकर मालकिन से मिल लो। अच्छा, अरे सुखीराम, क्या हो गया है तुझे? आज तेरी सूरत पर हंसी के बदले आंसू क्यों चमक रहे हैं? गम के आंसू है मालकन, आज बड़े साहब ने सुखीराम को दुखी राम बना दिया है मालकन। तूने जरूर कोई भूल की होगी। अरे ये भी कोई भूल है मालकन, बड़े साहब ने मुझसे पूछा कि हैदराबाद से दिल्ली को कितनी ट्रेनें जाती हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया दो। फिर क्या हुआ? बड़े साहब ने कभी नहीं, बस उसी दिन इंक्वायरी की तो पता चला कि दो नहीं, चार ट्रेनें जाती हैं। मगर तुझे भी तो पूछताछ करके ही बताना चाहिए था ना, जब तू बेसोचे समझे जवाब देगा तो इन्फॉर्मेशन अफसर किस बात का है? एक बार पहले भी तूने हिंदी के अखबार में पूरी खबर पढ़े बगैर जल्दी से बड़े साहब को टेलीफोन पे कह दिया कि इंग्लैंड के मशहूर इंजीनियर टॉमसन साहब आज मर गए। हालांकि वो अजमेर गए थे, न कि आज मर गए थे। लेकिन मैं तो आज मर ही गया मालकन। मुझे तुझसे हमदर्दी है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं मालकन। जाकर कहीं और काम देख ले। इस बेकारी के जमाने में भला कौन किसी को काम देता है मालकन? तो कोई छोटा सा कारोबार कर ले। कारोबार के लिए पैसे चाहिए, और आप तो जानती हैं कि मैं खानदानी कंगाल हूँ। अच्छा अच्छा ठहर। ये ले 500 रुपए। 500 रुपए? जरूरत पड़े तो और ले जाना। आपके मुंह में घी शक्कर, आप तो देवी ही देवी, आप मेरी बड़ी बहन के बराबर हैं। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपको और बड़े साहब को सलामत रखे। तेरे मुंह में घी शक्कर। भगवान आपको और बड़े साहब को सलामत रखे। भगवान आपको और बड़े साहब को सलामत रखे। हाय राम, बड़े साहब के आने का समय हो गया और बच्चों का कहीं पता नहीं। अरे मीना, लता, किशोर, पप्पू, अरे तुम सब लोग कहाँ चले गए? गए कहीं भी नहीं मम्मी, सब घर ही में है। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। लो देख लो, मैं भी आ गई हूँ। तुम तो ना हम चिल्लाती हो। अरे तू मुंह क्यों फुलाती है बेटी? मुंह ना फुलाऊं तो और क्या करूँ? ये भी कोई कानून है बड़े साहब का कि 6 बजते ही घर पे पहुँच जाओ, वरना खैर नहीं। ठीक ही तो कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा घूमना फिरना अच्छा नहीं। अब जा जल्दी से, देखना लीला ने उड़द की दाल को बघार अच्छी तरह दिया है या नहीं। सब काम मेरे सर पर, और वो लता महारानी बनी हुई। अरे हाँ, ये लता कहाँ है? होगी कहाँ, किशोर भैया के पांव दबा रही होगी। नहीं दीदी, आज तो भैया लता दीदी का सर दबा रहे हैं, मैं चुपके से देख आया हूँ। अरे पप्पू, तूने तो आज देखा है, मैं तो रोज देखती हूँ। हाँ मम्मी, तुम तो उसे अपने मायके की अनाथ लड़की समझ के यहाँ परवरिश करने के लिए ले आई थी, मगर अब वही अनाथ लड़की इस घर की बहू रानी बनने के सपने देख रही है। अरे मुंह बंद कर, बेचारे गरीब लड़की पर मुसीबत ही आ जाएगी, कहीं बड़े साहब ने सुन लिया। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते बड़े साहब, जब देखो बड़े साहब का डर। किशोर बेटा, वो जो कुछ कहते हैं तुम सबके भले के लिए कहते हैं, वो दूरंदेश है। यही तो मुश्किल है माँ, वो इतना दूर देखते हैं कि नजदीक की बात उनकी समझ में नहीं आती। अब देखो, मीना नाच सीखना चाहती है तो उसे चूल्हे चौके की तरफ धकेला जाता है, लता को घर की देखभाल और रसोई का शौक है तो उसे जबरदस्ती कॉलेज भेजा जाता है, और किशोर भैया संगीतकार बनना चाहते हैं तो इन्हें ठोक पीट कर इंजीनियर बनाया जाता है। हमारा देश मीना जैसी मनचली डांसरों से उन्नति नहीं कर सकता, और ना ही उसका भविष्य तुम जैसे सस्ते संगीतकारों से बन सकता है। गलत, बिल्कुल गलत। जैसे खाने में रोटी के साथ दाल भात सब्जी तरकारी नमक मिर्च हर चीज की जरूरत होती है, उसी तरह संगीत भी जीवन का एक अंश है, और नृत्य जीवन का आनंद है। मेरे भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी बड़ा होके कवि बनूंगा और झील के किनारे मछलियां पकड़ते हुए गीत लिखूंगा। शोभा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तू जरूर अपने भाई बहनों को बिगाड़ कर रहेगा। मगर मम्मी, बस बस, हुज्जत बहुत हो चुकी, अब तुम लोग लिखने पढ़ने बैठ जाओ।
बड़े साहब के आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। पांच मिनट बाप रे। भोला, लीला, कैसरी, तुम लोग जल्दी से पूरियां तैयार करो। अच्छा मालकम। लता, तू जल्दी से चाय तैयार। अच्छा। और देख केसरी, बड़े साहब के लिए गुसलखाने में तावलिया, साबुन, गर्म पानी सब रख दे। जी हाँ मालकन। हेलो जी मालिकम, बड़े साहब। बड़े साहब, हाय राम जी, मैं पार्वती बोल रही हूँ जी। नहीं, गड़बड़ कैसे, बच्चे स्कूल से अभी आए हैं जी। अलमारी के कोने वाली बैग? नहीं, कोने की अलमारी वाली बैग। अच्छा भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। अरे केसरी, बड़े साहब की अलमारी के कोने वाली बैग और सूट केस लेकर अभी ऑफिस चला जा। जी हाँ मालिकन। क्या है मम्मी? बड़े साहब और अशोक पंचवर्षीय योजना कॉन्फ्रेंस में शरीक होने 4 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक, नाचे जी हम तुम रुनक झुनक, दिल की उमंगे झूम के गाएं, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है, दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक, झूम के गाए, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है, आज जमाना अपना है, क्या प्यारी आजादी है। आज जमाना अपना है, क्या प्यारी आजादी है, खेलो कूदो मौज करो, समझो घर में शादी है। सर पे ताज है, नाराज है, कोई न डर की बात है। क्या बात है, दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक, नाच के हम तुम ठुनक ठुनक, उमंगे झूम के गाएं, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है, धूमधाम कर कुछ नाम कर, दुनिया अपने हाथ है। क्या बात है, दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक, नाचे जी हम तुम रुनक ठुनक, दिल की उमंगे झूम के गाए, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है बच्चों, उनकी सास आकर ले गई।
तुम लोग वापस क्यों आ गए अशोक? सब गड़बड़ हो गई माँ, तुम्हारे कारण। मेरे कारण? हाँ। आखिर हुआ क्या, बता तो सही। ये पापा ही बताएंगे। हमारे बड़े भैया तो बिल्कुल पापा की कॉपी बन गए। मगर मम्मी, हमारी खातिर तुमने झूठ क्यों बोला? जो कुछ होता हम सब भुगत लेते। तुम सबके भुगतने से मैं ही भुगत लूं तो कौन सी बुराई है? वो बहुत गुस्से में। लेकिन कुछ भी तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं कहा, यही तो बुरा है। ये खामोशी तूफान उठने की निशानी है, न जाने कब ज्वालामुखी फट पड़े। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मम्मी, माँ जी, इस समय ना जाइए माँ जी। नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। हे भगवान, हमारी मम्मी की सहायता करना भगवान। तुम क्या हमारी सहायता करोगी? तुम्हारी ही बेवकूफी के कारण हमें आज वापस आना पड़ा। मैं तो हूं ही दीवानी। दीवानों से इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी बेवकूफों से। हमने तुमसे फोन पे कहा था कि कोने की अलमारी वाली बैग भेज दो, मगर तुमने अलमारी के कोने वाली बैग भेज दी। जी, वो फोन पे आपका हुक्म सुनकर जल्दी में मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। इस खुशी में कि हम जा रहे हैं? जी नहीं, वो बच्चों के शोर में। झूठ क्यों बोलती हो? यूं क्यों नहीं कहती कि बच्चे हमारे दिल्ली जाने की खुशी में उछलने कूदने लगे? वो मछलियों का बर्तन भी कोई पड़ोसन नहीं ले गई, बल्कि उसी तूफान बदतमीजी का नतीजा है कि वो टूट गया। कह दो कि ये गलत है। आजकल बच्चों के खातिर तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो पार्वती, लेकिन याद रखना, बच्चों से तुम्हारा ये अंधा प्यार। बस, आपको तो मेरा बच्चों से प्यार ही बुरा लगता है। अगर मैं भी आपकी तरह हो जाऊं तो बच्चे कहां जाएंगे? आखिर मैं माँ हूं। नाराज ना हो पारो, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम बच्चों से प्यार ना करो, लेकिन उनकी गलतियां छुपाने के लिए झूठ भी तो ना बोलो, वरना बच्चे झूठे और मक्कार हो जाएंगे और उन्हें यह गलतफहमी हो जाएगी कि तुम ही उनसे प्यार करती हो और हम उनके दुश्मन हैं। आप ठीक कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुस्कुराओ। पापा आओ बेटा, अभी अभी फोन आया है, अपनी सुबह की प्लेन की सीटें रिजर्व हो गई हैं। गुड। पार्वती, सब बच्चों से कह देना कि सुबह हमारे जाने से पहले वो हाजिर रहे। जी अच्छा। इस पप्पू ने तो नाक में दम कर रखा है, सवेरे सवेरे गेंद बल्ला लेकर खेलने चला गया। अब वो नीचे आते ही होंगे, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? मीना, तुम्हारा दाखिला 11वीं में हो गया? जी पापा। मगर प्रोग्रेस बुक पर तुमने हमारे दस्तखत क्यों नहीं लिए? इसलिए कि कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो तुम। कौन से सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो? हिसाब और साइंस में। हिसाब और साइंस में तो तुम्हें डिस्टिंक्शन हासिल करना चाहिए। तुम एक काबिल इंजीनियर की बेटी हो। ये चित्रकारी और नाचने के शौक को दिल से निकाल फेंको। तुम्हें नर्तकी नहीं, हर संसार की शोभा किसी राजकुमार के ऊंचे महल की रानी बनना है, समझी? जी। मीना की शादी किसी राजकुमार के साथ होगी, याददाश्त। पार्वती, पप्पू कहाँ है? जी पप्पू को तो मैंने केसरी के साथ डॉक्टर के यहाँ भेजा। डॉक्टर के यहाँ? क्यों, क्या बात हुई? कुछ नहीं, उंगली में जरा सी फांस लग गई। ज्यादा जख्म तो नहीं आया? जी। तो कोई बात नहीं। और किशोर, तुम्हारा रिजल्ट कब निकलेगा? जी आज से ठीक 5वें दिन। क्या ख्याल है तुम्हारा? 2 साल से फेल हो रहा हूँ तो क्या हुआ, इस साल मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए, यकीनन पास हो जाऊंगा। उम्मीद तो नहीं, फिर भी नंबर क्या है तुम्हारा? जी 142। मिस्टर किशोर, नंबर 142, रिजल्ट 22 तारीख, याददाश्त। देखो किशोर, हम चाहते हैं कि तुम भी अशोक की तरह एक आला दर्जे के इंजीनियर बन जाओ। अगर इस साल तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए तो हम तुम्हें भी अपनी फर्म का हिस्सेदार बना लेंगे, और अगर स्ट्रीट सिंगर बनकर भीख ही मांगना है तो संगीत के पीछे पड़े रहो, समझे? जी। सुना आपने, लता को कॉलेज में दाखिला मिल गया है,
इस साल मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट्स में पास हुई है। हम बहुत खुश हुए। तुम एक अच्छी लड़की हो, हम तुम्हारी शादी भी किसी अच्छी जगह करेंगे, गांव के किसी जमींदार से। अच्छा पार्वती, घर को जिस हालत में छोड़कर जा रहा हूँ, कोशिश करना कि वापस आने तक उसी हालत में रहे। केसरी जी सरकार। पप्पू कहाँ है? मैं नहीं जानता मालिक। तुझे भी जी पापा। मगर प्रोग्रेस बुक पर तुमने हमारे दस्तखत क्यों नहीं लिए? इसलिए कि कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो तुम। कौन से सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो? हिसाब और साइंस में। हिसाब और साइंस में तो तुम्हें डिस्टिंक्शन हासिल करना चाहिए। तुम एक काबिल इंजीनियर की बेटी हो। ये चित्रकारी और नाचने के शौक को दिल से निकाल फेंको। तुम्हें नर्तकी नहीं, हर संसार की शोभा, किसी राजकुमार के ऊंचे महल की रानी बनना है, समझी? मीना की शादी किसी राजकुमार के साथ होगी, याददाश्त। पार्वती, पप्पू कहाँ है? जी पप्पू, पप्पू को तो मैंने केसरी के साथ डॉक्टर के यहाँ भेजा है। डॉक्टर के यहाँ? क्यों, क्या बात हुई? कुछ नहीं, उंगली में जरा सी फांस लगी। कि ज्यादा जख्म तो नहीं आया? जी। तो कोई बात नहीं। और किशोर, तुम्हारा रिजल्ट कब निकलेगा? जी आज से ठीक पांचवें दिन। क्या ख्याल है तुम्हारा? दो साल से फेल हो रहा हूँ तो क्या हुआ? इस साल मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए, यकीनन पास हो जाऊंगा। उम्मीद तो नहीं, फिर भी नंबर क्या है तुम्हारा? जी 142। मिस्टर किशोर नंबर 142, रिजल्ट 22 तारीख, याददाश्त। देखो किशोर, हम चाहते हैं कि तुम भी अशोक की तरह एक आला दर्जे की इंजीनियर बन जाओ। अगर इस साल तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए तो हम तुम्हें भी अपनी फर्म का हिस्सेदार बना लेंगे, और अगर स्ट्रीट सिंगर बनकर भीख मांगना है तो संगीत के पीछे पड़े रहो, समझे? जी। सुना आपने, लता को कॉलेज में दाखिला मिल गया है। ये इस साल मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट्स में पास हुई है। हम बहुत खुश हुए। तुम एक अच्छी लड़की हो, हम तुम्हारी शादी भी किसी अच्छी जगह करेंगे, गांव के किसी जमींदार से। अच्छा पार्वती, घर को जिस हालत में छोड़कर जा रहा हूँ, कोशिश करना कि वापस आने तक उसी हालत में रहे। केसरी जी सरकार। पप्पू कहाँ है? मैं नहीं जानता मालिक। मुई, तुझे भी इसी वक्त उनके सामने मरना था? हाय राम, आज फिर मैं उनकी निगाह में झूठी साबित हूँ। कोई देखे माल में कुछ तो बात है, पैसे दो और माल उठाओ, सौदा हाथों हाथ है। ले लो जी ले लो, पांच पांच आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। हाँ ले लो जी ले लो, पांच पांच आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। मुरादें दिल की बराए, कोई गंजा गधे सर में तो उसके बाल आ जाए। मेरा सुरमा अगर ऐसे तुझी अंधा लगाएगा तो अंधे को अंधेरे में बहुत कुछ सूझ जाएगा। सुरमा क्या है, जादू मंत्र, आपके मुंह में घी शक्कर, जो भी चाहो ले लो साईं, पैसे की सब बात है। पैसा दो और माल उठाओ, सौदा हाथों हाथ है। ले लो जी ले लो, पांच पांच आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। पाउडर मांगता है मैम साहब, इधर तो इंडिया का माल मिलता है। हाँ खालिस हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जी, हमारे देश के हर माल पे दुनिया है दीवानी, विदेशी माल पर मारे शर्म के फिर गया पानी। लगाते हैं नजर हम पर ये चीनी और जापानी, चली आती है लेने माल इंग्लिस्तान की नानी, इंग्लिस्तान की नानी। आप
के मुंह में घी शक्कर, लंदन वाले लाख जले पर ऊपर वाला साथ है, पैसे दो और माल उठाओ सौदा हाथों हाथ है। ले लो जी ले लो पांच पांच आने, आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। हाँ ले लो जी ले लो पांच पांच आने, आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। पांच पांच चना लगा दिया है, पांच पांच चना। रंगीन रिबिन दो मिस? नहीं। और कोई दूसरी चीज दो? मैं यहाँ बस के लिए खड़ी हूँ। कौन? सुखीराम? अरे मैं मीना हूँ, पहचाना नहीं आपने मुझे? कैसे पहचान लेता, मैं तो समझाता कोई मिस लाना टर्नर होगी आपके मुंह में। बहन बच्चे बड़े साहब? बड़े साहब तो दिल्ली गए हैं। जबी सीधी मांग टेढ़ी हो गई है, कमीज सुकड़ कर फराक बन गई है आपके मुंह में। गालों पे पाउडर और होठों पे लाली। अब तो चार दिन तक यही ठाट रहेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, मगर इतनी सज धज के स्कूल जा रही हो या ससुराल? स्कूल जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी बस छूट गई है। बस छूट गई तो क्या फिक्र है, मैं रिक्शा बुलाऊं? हमें नगद पैसे नहीं दिए जाते। पैसे की क्यों फिक्र करती हो, पैसे मैं दे दूंगा, आखिर मैं भी तो तुम्हारा मामा हूँ। वो तो ठीक है चंदा मामा, लेकिन मेरी स्कूल यहाँ से बहुत नजदीक है, मैं पहले चली जाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है, पैदल जाने से हाजमा ही ठीक नहीं होता, बल्कि जो लोग बस में नहीं मिलते वो रास्ते में जरूर मिल जाते हैं आपके मुंह में। ठीक शक्कर, ठीक शक्कर, ठीक शक्कर। सुनिए तो भाई, मैं तो नारे ओ तेरे घूंगर वाले बाल पलट के, वो पलट के पलट के देख जी। पहुंचा दूं? जी जी शुक्रिया। घबराई नहीं, मैं कोई लफंगा नहीं, ये तो मेरे काम का लिबास है, मैं काम ही कर रहा था। ठहरिए, मैं अभी आपको पहुंचा देता हूं। आइए आइए बैठिए ना। अरे वो अब्दुल्ला आया है ना, जरा संभालना, मैं अभी आता हूं। तकलीफ तो मैंने आपको दी, आपको स्कूटर पर बिठाकर चांद जैसे गोरे मुखड़े को अपने काले कपड़ों से। कपड़े काले हैं तो क्या हुआ? दिल काला नहीं जी, कुछ नहीं। आपकी हमदर्दी और मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है, आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, यही बहुत है। हाँ, मुझे नरेंद्र कहते हैं, और आप? मीना। मीना जी, बड़ा खूबसूरत नाम है।
पसंद का शुक्रिया। पसंद का शुक्रिया, हमदर्दी का शुक्रिया, मदद का शुक्रिया। आप तो इतना कुछ कह गई और मैं ये भी ना कह सका कि आपकी निगाह मोहब्बत का शुक्रिया। हाँ जरा ठहरिए, क्लास में दाखिल होने से पहले अपना चेहरा आईने में जरूर देख लीजिएगा। क्या मतलब? मतलब आईना ही समझा देगा। अलावा भी है कोई घर में? सब है, लेकिन पहले ये बताइए आप लड़का है या लड़की? आपको क्या नजर आता है? जब नीचे देखता हूँ तो लड़का नजर आता है और जब ऊपर देखता हूँ तो लड़की। मैं तो चक्कर में आ गई। बड़े शरीर हैं आप। अरे भाई मैं लिली हूँ, मिस लिली। मिस यानी कि आप लड़की हैं? बड़े साहब के ऑफिस में काम करती हूँ। लेकिन बड़े साहब तो दिल्ली गए हैं। मैं जानती हूँ, मगर उनके लड़के तो होंगे ना? जी हाँ मैं हूँ उनका लड़का, बताइए क्या काम है? आप नहीं, वो जो बड़े हैं। कौन? अशोक भैया डायरी वाले? ना ना, वो जो मंजिले हैं। तो पहले क्यों नहीं कहा? तान तोड़ तान मरोड़ भैया किशोर कुमार जी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। भैया, ओ भैया, देखो भाई तुम्हें मिलने आया है। ओ लिली, लता लिली के लिए बेहतरीन कॉफी बना कर लाओ, इसे कॉफी बहुत पसंद है। ये लो किशोर, तुम्हारे लिए प्यार भरा तोहफा। ओ लिली यू आर अ डार्लिंग, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, कितनी अच्छी हो तुम। बेशरम बेवफा। तुमने? ओ माफ करना, गलती हो गई उस्तानी जी। देखो किशोर, मुझे उस्तानी ना कहा करो। क्यों? जब तुम मुझे उस्तानी कहते हो तो ऐसा लगता है कि मैं जवान से बूढ़ी हो गई हूँ। आपकी तारीफ। यह है लता, मेरी सब कुछ। ओ सब कुछ। अरे लता इनसे तो मिलो। मुझे बहुत काम है, फुर्सत नहीं है। पप्पू के लिए खीर बनानी है, मालिक को रमेश चुराने हैं, किसी को बाजार भेजना, तवे पर रोटी जल रही है। मुझे तो जले हुए दिल की बू आ रही है इनकी बातों में। क्या वाकई तुम इतना गुस्से वाली लड़की से शादी करोगे? नहीं लिली, वो गुस्से वाली नहीं है, बेचारी बड़ी सीधी सादी लड़की है। मैं कितना सताता हूँ, परेशान करता हूँ उसे, तभी वो कुछ नहीं कहती, गाय की तरह चुप रहती है। ओ आई सी, तो शादी लड़की से नहीं गाय से कर रहे हो। अच्छा मैं चली। क्यों कॉफी नहीं पियोगी? नहीं थैंक यू, मेरा एक दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा बाय बाय। बाय बाय। छोड़ दीजिए मेरा आंचल, वरना मैं रो दूंगी। बस यही है ना तुम्हारे पास, औरतों का आखिरी हथियार आंसू, मर्दों को बेवकूफ बनाने के लिए। मगर आप मुझे बेवकूफ न बनाई। मैं पूछता हूँ तुम लिली से मिली क्यों नहीं, बात क्यों नहीं की? और मैं पूछती हूँ आप लिली से क्यों मिले, क्यों बातें की? लता अब आप लता को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने संगीत के खेल में मेरे जीवन से न खेले। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझ गरीब अनाथ पर रहम कीजिए किशोर बाबू, रहम कीजिए। यकीन करो लता, मैं बेवफा नहीं, तुम्हारी कसम, तुम्हारी जान की कसम। बस बस बस, अब ज्यादा कसमें ना खाओ नरेंद्र,
अपनी दिल की हालत कैसे कहूँ? मैं तो पहली मुलाकात में ही तो दूसरी बार मिलने के लिए बेचैन हो गई थी। बस यही हाल मेरा था। जब पहली बार तुमसे नजरें टकराई तो दिल पर एक बिजली सी गिरी थी। बिजली? वो बिजली नहीं, मोहब्बत की बिजली, तुम्हारे हुस्न की बिजली, तुम्हारी मुस्कुराहट, शर्माने का अंदाज, जाल की नजाकत और नजरों ही नजरों में किसी को अपना बना लेने का जादू। सच, ये तो कोई तुमसे सीखे। और तारीफ करके कंकर को पहाड़ बनाना भी कोई तुमसे सीखे। लेकिन जिस पहाड़ की चोटी पर मैं खड़ा हूँ मीना, वहां से गिरने का डर, क्योंकि मैं गरीब और तुम। मगर प्यार तो अमीरी और गरीबी के बंधनों से आजाद है नरेन। मैंने तो अक्सर रोमांटिक नावल और मैगजीन में यही पढ़ा है कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। और जब दिल किसी पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि नजरों से दिल में समाने वाला मिल मालिक है या मोटर मैकेनिक। वाह मीना वाह, क्या अकल की बात की तुमने। लो ये फूल, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह मासूम खूबसूरत। थैंक यू। तुम्हारे साथ ये चार दिन कैसे हंसते खेलते गुजर गए नरेन। आज तुम्हें पापा दिल्ली से आने वाले हैं और उनके आते मुझे घर में मुंह लटकाए बैठना पड़ेगा। किशोर, किशोर, अरे किशोर, तुम यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम फर्स्ट क्लास में पास हो गए। नहीं लता, मैं पास नहीं फेल हुआ हूँ। क्या कह रहे हो तुम किशोर? तुम्हारा बड़े साहब को जो मैंने रोल नंबर दिया था वो मेरा नहीं था, हमारी क्लास के एक बड़े स्कॉलर का नंबर था। स्कॉलर का नंबर था? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, साहब को धोखा दिया। ये तुमने क्या किया किशोर? और क्या करता, परीक्षा का सारा समय तो मैंने संगीत और तुम्हारे साथ बिता दिया। तुम जाओ लता, घर जाने के मुझ में तो हिम्मत नहीं। बड़े साहब तो अखबार में रिजल्ट देखकर आज मारे खुशी के जमीन और आसमान एक कर रहे होंगे। आज जमीन और आसमान एक हो गए पारो। जिस लड़के को मैंने निकम्मा, निखट्टू और आवारा समझा था वो आसमान का तारा निकला, और जिसे मैं आसमान का तारा समझे हुए था वो तारा नहीं चांद निकला, चांद। मम्मी जिसे रो मेरे लाल। पारो, आज हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का नहीं खुशियों का बोझ है। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी उम्र और बढ़ गई, हमारा बुढ़ापा जवानी में बदल गया। मेरा घर, मेरे बच्चे आबाद हो गए, इनका भविष्य बन गया। अब पहलिया न बुझाइए, बताइए ना क्या बात है। आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखो, हमारे एक बेटे अशोक ने दिल्ली के इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस में वो कारनामे किए, ऐसी ऐसी उलझने सुलझाई, ऐसे ऐसे मशवरे दिए कि दुनिया दंग रह गई। तमाम इंजीनियर्स की नजरों में बड़े साहब और बड़े साहब की औलाद की इज्जत और बढ़ गई। जीते रहो मेरे लाल, तुझे नजर न लग जाए। आप थोड़ा सा काजल लगा दो। नहीं नहीं, मैंने काला धागा पहन रखा। और ये देखो पारो, हमारे दूसरे बेटे किशोर ने इंजीनियरिंग के इम्तिहान में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस साल वो सैकड़ों लड़कों में फर्स्ट आया है, फर्स्ट। आज का दिन होली से ज्यादा रंगीन है, आज की रात दिवाली से ज्यादा रोशन बना दो लता। क्या हुआ बेटी, बोल क्या दुख है तुझे? इस समय तेरी आंखों में आंसू कैसे? ये तो खुशी के आंसू है बड़े साहब। देखा आपने, कोई खुशी का इजहार बातों से करता है और कोई आंसुओं से। कितनी प्यारी बच्ची है ये। और क्या हम प्यारे नहीं हैं? क्या हो गया है आपको? बच्ची खड़ी है। हाँ बेटा अशोक, तुम बैंक से रुपया लेकर ऑफिस जाओ, आज इस खुशी में हम सबको 3-3 महीने की तनख्वाह देंगे। जी बहुत अच्छा। और लता, तुम किशोर के सब दोस्तों को और हमारे रिश्तेदारों को दावतनामे भेज दो, हम आज एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे। जी अच्छा। जीवन में पहली बार पप्पा ने मम्मी को मेरे सामने कहा, और क्या हम प्यारे नहीं? हाँ, याददाश्त। क्यों जी, आप नहाएंगे नहीं? गुसल खाने में पानी तैयार है। नहाने जैसी तो कोई बात नहीं है पारो, सफर की थकन उतर जाएगी।
थकन उतरे न उतरे तुम्हारा हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। मैं हुक्म थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि सफर की धूल गर्द। मैं दिल्ली से हवाई जहाज में आया हूँ, किसी ऊंट पर बैठ कर नहीं आया जो धूल गर्द। अच्छा अच्छा, आप जीते मैं हारी, न नहीं आप ही ऑफिस देर से पहुंचे। क्यों मालिकिन? चल मुही, तू फिर छुप छुप के बातें सुन रहा था। आदत से मजबूर हूँ मालिकिन। शर्मा जी, ये लीजिए 15,000 रुपए। बड़े साहब ने सबको 3-3 महीने की तनख्वाहें इनाम दी है। 3-3 महीने की तनख्वाहें? हाँ हाँ, 3-3 महीने की तनख्वाहें। किशोर इस साल इंजीनियरिंग के इम्तिहान में फर्स्ट आया है। अच्छा? बड़े साहब बहुत खुश हैं और वो इस खुशी में सबको शरीक करना चाहते हैं। जाइए और फौरन सारे स्टाफ की रसीद तैयार कीजिए। हाँ शर्मा जी, आज तो बड़े साहब आते ही सबकी जेबें नोटों से भर देंगे। हाँ, लेकिन अफसोस आज ही मैं लंबी जेबों वाला कोट पहनकर नहीं आया। कोई बात नहीं, पैजामा तो पहनकर आए हो ना। शर्मा जी, बड़े साहब आ गए। आ गए? ऑफिस में नहीं, बंगले पर। ओह गॉड, मैं तो डरी गई थी कि आज बहुत देर से पहुंची हूँ ऑफिस में। क्यों मिस लिली, देर क्यों हुई? वो मुआ सुखी राम मिल गया था, कहता था मुझसे शादी नहीं करोगी तो गुड़ खा के मर जाऊंगा। आप जल्दी जल्दी रसीदें बना लीजिए मिस्टर पद्मनाभन। हाँ जी जी जी। ये रसीदें किस खुशी में बनाई जा रही है शर्मा जी? हमारे बड़े साहब किशोर इस साल इंजीनियरिंग के इम्तिहान में पहला आया। पहला आया है? हाँ मिस लिली। प्लीज मिस लता, किशोर को बुला दो। किशोर है घर में? नहीं। अच्छा आए तो उनसे मेरा हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कहना। क्यों, तुमसे क्या मतलब? इम्तिहान में पहला आया है ना वो? नहीं, क्या कहते हो? फेल हुआ किशोर, फेल हुआ? हेलो हेलो लता, मिस लता। मिस लिली। आई एम सॉरी सर। तुम किशोर को जानती हो? जी। कब से? 1 साल से। कैसे पहचान हुई तुम्हारी? उन्हें संगीत का शौक है, मुझसे वायलिन सीखते हैं। शर्मा जी को बुलाओ। जी। मिस लिली, तुम यहीं ठहरो। शर्मा जी। यस सर। मिस लिली को इस महीने की तनख्वाह के साथ नोटिस पे और कॉम्पेंसेशन दे दो इसी वक्त। नोटिस पे? हाँ, हमने इसे नौकरी से अलग कर दिया है। जी। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब। और सुनिए, अशोक बाबू से कहिए कि आज का हिंदी का अखबार लेकर आ जाए। जी। मैं जानती हूँ मैंने बड़ी भारी भूल की है, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से ना निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये ऐसी भूल है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मेरे घर और मेरे बच्चों की उन्नति में जो भी रुकावट बनकर आएगा उसे हटा देना ही मेरा उसूल है। तुम क्या चीज हो? अगर किसी ने उनके रास्ते में ऐसा बांध भी खड़ा कर दिया तो मैं उसे भी गिरा दूंगा। लेकिन बड़े साहब, तुमने मेरा फैसला सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। अशोक, आज के हिंदी के अखबार में नंबर के साथ नाम भी छपे होंगे। जी हाँ, जरूर छपे होंगे। तो देखो फर्स्ट आने वाले लड़के का क्या नाम है। पापा, इस साल के फर्स्ट आने वाले लड़के का नाम किशोर नहीं, बलराज कपूर है। तो हमसे झूठ कहा किशोर ने, अपने बाप को फरेब दिया। मुद्दतों के बाद तो इस दिल में खुशियां आई थी। अफसोस उस मक्कार ने हमारे होठों से मुस्कुराहटें छीन। सब्र से काम लीजिए पापा, अब दिल में सब्र की ताकत नहीं। अशोक, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। रसीदे रेडी सर, इन्हें फाड़ कर फेंक दो। नहीं अशोक, जब एक बार मैंने कह दिया
तो इनाम इनका हो चुका। कसूर किशोर ने किया है, इसकी सजा उसे मिलेगी, इन्हें क्यों मिले? पारो, पारो, कहां है वो नालायक फरेबी मक्का जिसने हमारे विश्वास का खून कर दिया, हमारी खुशियों को मातम में बदल दिया? ये मैं क्या सुन रही हूँ? किसने विश्वासघात किया? कौन है वो? किशोर, तुम्हारा लाडला बेटा किशोर, कहां है वो? जहन्नुम में न गए, अपने घर आ गए, कोई फर्क नहीं। लेकिन आज जहन्नुम में इतना अंधेरा क्यों है? ज़बाने खिरद में जिसे शर आप कहते हैं, वो रोशनी से पिलाओ के बड़ा अंधेरा है। वाह! हमारी ज़बान में ये तासीर कहते ही उजाला हो गया।
मैं बड़े साहब को देख रहा हूँ या बड़े साहब मुझे देख रहे हैं? मेरे पास ना आइए, मुकाबला तो दूर से भी हो सकता है। तो तुम घर नहीं आए, मुझसे मुकाबला करने आए हो? यस यस, यू आर राइट सर। यानी चूहे को भी यह गलत फहमी हो गई कि वो हाथी का शिकार कर सकता है। 100% कर सकता है बड़े साहब, और हाथी ने कभी पी ही नहीं, तो उसे क्या पता चूहा कैसे शेर बनता है। ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती बेशरम? एक तो झूठ बोला, हमें धोखा दिया, ऊपर से शराब पीकर घर में आ गया। इस बेगैरत को कहीं समंदर या तालाब नहीं मिला जो बोतल में डूब कर आया है? यही तो कमाल है बड़े साहब। अरे मुझे क्यों जबान जोरी कर रहा है? आज तू मुझे बोलने दे माँ, तमाम जिंदगी तू चुप रही, मीना लता पप्पू सब चुप रहे, आज मुझे बोलने दे माँ। इस बदतमीज से कह दो पार्वती कि अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से चला जाए। इस वक्त चला जा किशोर, चला जा अपने कमरे में। क्यों चला जाऊ? मुझे रावण से कहने दे माँ कि लंका में सभी 52 गज के नहीं होते, इन्हें क्यों जिद है कि इनकी और अशोक की तरह मैं भी इंजीनियर बनूं? अच्छा बाबा मत बन। नहीं बनूंगा इस जन्म में, तो क्या 10 जन्म में मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं तो गवैया बनूंगा, गवैया बनूंगा माँ। जो चाहे बन, मगर अभी तो चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। तुम जाते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं किशोर? मैं लता से शादी करूंगा, मुझे लता से प्यार है माँ, पूछ लो लता से, वो भी मुझ पर मरती है। क्यों लता, बोलना, अब तू बोलती क्यों नहीं? ये अदाएं किस लिए दिखा रही है, शर्माती क्यों है? अब मौका है, बोल। तू ही तो मुझसे रोज कहा करती थी कि मुझे दुल्हन बना लो, मैं तुझसे शादी करूंगी। किशोर, अब तो अगर अपनी जबान बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे मारूंगी। मार, तू मेरी माँ है, तू मुझे मार, मगर अपनी जूती से मारना। अगर तूने बड़ी साहब की जूती से मुझे मारा तो मैं उसे छीन कर गंदी नाली में फेंक दूंगा। हाथी चूहे से डर कर भाग गया। लो किशोर। थैंक यू। अब पापा खाओ बेटा, खाओ। किशोर कुछ तो खाओ, खाओ ना। तुम हमेशा अपना कप मेरी तरफ न बढ़ाया करो। आप भी हमेशा अपना कप मुझे न दिया कीजिए। वो तो हम इसलिए देते हैं कि तुम्हें भी हमारी तरह स्ट्रांग चाय पसंद आए। मम्मी और पापा दो हैं, मगर उनकी पसंद एक है। मैं एक हूँ मगर मेरी पसंद दो है। कैसे? अब मैं छोटा हूँ तो दूध पीता हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो पप्पू से पापा बन जाऊंगा और स्ट्रांग चाय पिया करूंगा। हाँ। ये गाजर का हलवा तो खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ले बेटा पप्पू, तो भी थोड़ा ले दे। और अशोक, तुम्हें यह हलवा बहुत पसंद है। थैंक यू पापा। यह हलवा किशोर को भी बहुत पसंद है। मीना ले बेटी, तू खा ले। नहीं पापा थैंक यू, मैंने खा लिया। अरे ले, तेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। जाओ बेटा, तुम्हारी स्कूल की बस आ गई। बाय। बाय पापा, आज शाम को सैर करने चलोगे ना?
नहीं बेटा, आज रात को हम देर से घर पहुंचेंगे। वाह पापा, बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय बेटा। तो आप पर खूब सस्ता है। कपड़ा भी तो तुम्हारी पसंद का है ना? जी हाँ, वो अपना बच्चा किशोर है ना? बदकिस्मती से है तो फिर क्या है? कुछ नहीं, उसके कुछ नामुराद दोस्तों ने उसे ऐसी वैसी चीज पिला दी थी, बेहोशी में कुछ का कुछ बग गया, जब से आंख खुली रो रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो पूछता है फिर से कॉलेज जाए, इस बार लिखने पढ़ने पर खूब मेहनत करने का वादा करता है और अपनी की हुई भूल पर बहुत पछता रहा है। पारो, कभी कभी जरा सी भूल इंसान की जिंदगी को तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। किशोर। जी बड़े साहब। कल तुमने वो जलील हरकत की है कि कोई बाप तुम जैसी नालायक औलाद की सूरत जिंदगी पर नहीं देखता। अगर सोच समझ कर कदम उठाने की हमारी आदत न होती तो कल बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो जाता, मगर हम दुनिया को तमाशा दिखाना नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि उन लोगों को हंसने का मौका दें जिनके सर हमारी बड़ाई के आगे झुक जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ, एक बार इसे माफ कर दीजिए और फिर कॉलेज जाने की इजाजत दे दीजिए। कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे नाफरमान लड़के की तालीम पर हम वक्त और पैसा जाया नहीं कर सकते। अब तो इसके लिए एक ही रास्ता है, पहले ये मजदूर बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता मजदूर से इंजीनियर। अशोक। जी पापा। तुम किशोर को अपने साथ नहर पर ले जाओ, हम भी आते हैं, जाओ। जी बहुत अच्छा। लता। चलो किशोर। ये लो, देखो इसमें क्या है। रुपए। हमारा ख्याल है ये रुपए तुम्हारे लिए काफी होंगे, तुम इसी वक्त यहाँ से हमेशा के लिए नागपुर चली जाओ। बड़े साहब। बड़े साहब की हमदर्दी का नाजायज फायदा ना उठाओ, अपनी हैसियत देखो और किशोर का ख्याल छोड़ दो। जरा सोचिए तो सही, किशोर का दिल टूट जाएगा। दिल न हुआ मिट्टी का खिलौना हो गया, किशोर को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर, कोई मजनू या फरहाद नहीं, समझी? जी समझ गई, लेकिन। जब समझ गई तो लेकिन वेकिन से क्या मतलब? मेरा घर मेरे बच्चे की तरक्की में जो भी दीवार बनेगा उसे यू ही हटा दिया जाएगा। मैं मर जाऊंगी माँ जी, मर जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे इस घर से ना निकालिए, अपने जन्म से दूर ना रख दीजिए, मैं किशोर के बिना नहीं जी सकती माँ जी, नहीं जी सकती। कभी मैं चकोरा तुम्हारे
आ रहे हैं। अगर जान तुम हो तो हम भी तो दिल हैं, भरे हैं हजारों मोहब्बत के अरमां। अगर तुम हो सागर तो मैं भी हूँ नदिया, दोनों दिलों में मोहब्बत की तू प्यार का तो किनारा नहीं है, तेरे प्यार में हम बहे जा रहे हैं। बहारों से पूछो हमारी डायरी सुने या ना सुने, हमारा काम है सुना देना। हाँ, तो क्या लिखते हैं मिस्टर अशोक इंजीनियर? आज मैंने अपनी दूरबीन में नाटक देखा। एक लफंगा लड़का और लड़की थे। लड़की हमारी मम्मी की लाडो बेटी मीना थी। ये तू क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ मम्मी, मैं तो अपनी डायरी पढ़ रहा हूँ। तू झूठ बोल रहा है। मगर मेरी डायरी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मीना, ऐसे गाने गाते हो तो शर्म नहीं आती क्या? स्कूल में यही पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो सिनेमा हॉल में होती है मम्मी। क्यों मीना, सच है ना? मुझे क्या पता, मैं तो फिल्म देखने थोड़ी गई थी। मैं तो, मेरी अच्छी मम्मी, मैं तो इम्तिहान की तैयारी में लगी हुई हूँ। इम्तिहान की बात भी सच है मम्मी, ये आजकल की छोटी छोटी लड़कियाँ एक साल में दो दो इम्तिहान पास करती हैं, एक स्कूल का दूसरे मोहब्बत का। स्कूल के इम्तिहान में ये लड़कियाँ फेल हो जाएं कोई बात नहीं, परंतु प्रेम की परीक्षा में ये लड़कियाँ हर साल फर्स्ट आती हैं, रिसर्च करती हैं, डॉक्टर ऑफ लव की डिग्री मिलती है इन्हें। क्यों मीना, सच है ना? मैं क्या जानू, मैं किसी से मोहब्बत थोड़े ही करती हूँ। तो फिर तूने इतनी देर कहाँ लगा दी कम्बक? मम्मी, मैं तो अपनी सहेली के पास गई थी। सहेली या सहेला? भैया, कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? हैरान, जिसे देखो जगह सही करने पर तुला हुआ है। ये क्या हो गया है मेरे बच्चों को? डबल निमोनिया। मरीज इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। वायलिन छीनकर फौड़ा दे दिया, हाथों में छाले पड़ गए, दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। आ, मैं तेरे हाथों में हल्दी चुना लगा दूं।
सच माँ, तू कितनी अच्छी है। अगर तुझे मेरा ख्याल ना होता मैं कभी इस घर में ना रहता। माँ कभी इस घर में ना रहता। अब माँ की खुशामद छोड़ो, नहाओ धो और कपड़े बदलो। नहीं, हम इन्हीं कपड़ों में अपनी लता को दर्शन देना चाहते हैं। लता, अरे ओ लता, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से एक गिलास शरबत ले आओ। तुम लता हो? जी नहीं। फिर तुम क्यों ले आए? मैंने तो लता को पुकारा था। वो तो नागपुर चली गई। नागपुर चली गई? मुझसे मिली भी नहीं। किसने भेजा उसे? बोलता क्यों नहीं, किसने भेजा उसे? बड़े साहब ने, बड़े साहब ने, बड़े साहब मुझे मार क्यों नहीं देते? मां यूं तड़पा तड़पा कर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहता। अरे यूं कहो कि एक हम नहीं तो कुछ नहीं। दिल की लगी ऐसी ही होती है चंदा मामा, तुम क्या जानो? अरे तेरा मामा सब कुछ जानता है। तू तो प्रेम में अब जल रहा है। मुझे देखो, मैं तेरी होने वाली मामी मिस तफरी यानी कि मिस लिली। हाय, मिस लिली के प्रेम में जल के कलकत्ते की कोयल बन गया हूँ। लेकिन 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 कुछ भी नहीं। आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे चंदा मामा, मैं नहीं जाऊंगा। हाय हाय, मैं तेरे कुर्बान, इश्क ने तो क्या क्या आदतें सिखा दी हैं तुम्हें। अच्छा भाई नहीं चलते, जाओ तुम्हें लता रानी की कसम, लता रानी की। फंसा तो फंसा, चलो आपके मुंह में घी शक्कर। आइए तशरीफ लाइए, ये है हमारा दौलत खाना। अरे बिटिया मेहमान आए हैं घर में हमारे, कुछ चाय बनाओ, चूल्हा जलाओ आपके मुंह में। चाय जरा स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग, और घी शक्कर जरा ज्यादा डालना आपके मुंह में। आपके बेटी भी है चंदा मामा? क्यों जी, मेरे भांजे हैं, भांजियां हैं, बहन है, फिर बेटी नहीं हो सकती? मगर मामी के बगैर? यही तो तारीफ की बात है। अरे भाई इन बातों में क्या रखा है, आप तो पानी वानी पीजिए, तब तो चाय तैयार हो जाती है। मैं आपके लिए बिस्किट विस्किट ले आता हूँ, आप दो मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी दो घंटे ना आया आपके मुंह में। हाँ शुक्रिया, मुझे प्यास नहीं। पियो ना, तुमको पीना ही होगा। अरे वाह, ये अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। जबरदस्ती करेंगे आप मुझसे? कहीं पागल तो नहीं हो गई है? राम कसम पागल तो हो ही गई हूँ। अब सीधे सीधे पी लो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती हूँ। अरे ठहरो ठहरो, पीता हूँ पीता हूँ। अब एक और अरज है। अरज? आप हुक्म कीजिए जी, हुक्म। मैं यहाँ बैठूं? हाँ हाँ शौक से, बैठी बैठी। अरे तुम कहाँ चले, तुम भी तो मेरे पास बैठो ना। आप मुझ पर रहम कीजिए, मेरा पीछा छोड़िए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तो क्या तुमने मुझे आवारा समझ रखा है? जी नहीं नहीं नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा शरीफ हैं। तो आप अपने हाथों से इस शरीफ लड़की का घूंघट उठाओ। घूंघट? ये मुझसे कभी नहीं होगा। घूंघट तो मैं अपनी लता का ही उठाऊंगा। लता? कौन लता? मेरी लता, प्यारी लता, मासूम लता,
अरे वाह जी, एक साथ तीन तीन लताओं से प्यार करते हो, बड़े जुल्मी हो। वो है तो एक, लेकिन रूप उसके न्यारे। अच्छा बातें ना बनाओ, उसकी बड़ाई मेरे सामने ना करो। उठाओ घूंघट, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को बुलाती हूँ। अरे फिर वही मुसीबत। ए रामू काका, देखो ये छोकरा मेरा घूंघट नहीं उठाता। अरे उठाता हूँ, लेकिन अंदर तो आ। आहिस्ता आहिस्ता, क्या ट्रैक्टर की तरह ऊपर चढ़ जा रही। लता, लता, तुमने मुझे इतना तड़पाया क्यों? तुम्हें ये तड़पाने के लिए चंदा मामा ने मुझे सिखा दिया था, मगर आज मुझे विश्वास हुआ कि मेरा किशोर सिर्फ मेरा है। मगर तुम्हें तो बड़े साहब ने नागपुर भेज दिया था ना? नागपुर की गाड़ी ने सीटी बजाई। मैंने कहा ठहरो, गार्ड ने मुझे आंखें दिखाई तो मैंने भी लाल झंडी दिखाई। ये गाड़ी में बैठ चुकी थी, मैं उतर रहा है आपके मुंह में। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया चंदा। अरे बेटा, एहसान तो उस माँ का है जिस माँ ने अपनी ममता से मजबूर होकर अपने पति के गुस्से की परवाह न करते हुए मुझे बुला करके ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेला और अपने लाडले बेटे किशोर की मोहब्बत का खून होने से बचा लिया। वरना लता, लता तो नागपुर में किसी जमींदार की जमींदार ने बना दी जाती आपके मुंह में। मगर अब क्या होगा मामा, बड़े साहब तो लता से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। अरे तू क्यों फिक्र करता है शादी की बेटा, आर्य समाज के दरवाजे जो खुले हुए हैं आपके मुंह में। ओ मामा, पंचवर्षीय योजना की यादाश्त। तेरी पंचवर्षीय योजना? हाँ मम्मी, मेरी भी पंचवर्षीय योजना है। पता नहीं क्या क्या बकता है। भग गया हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। मैं समझ गया भैया, आप शेर पढ़ रहे हैं और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरी अच्छी माँ, मेरी अच्छी माँ। अरे, 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 क्या मिल गया तुझे जो खुशी में झूम रहा है? माँ ये खुशी क्या कम है, तुझ जैसी अच्छी माँ मिली है मुझे लाखों में एक। मम्मी की इतनी खुशामद, जरूर कुछ दाल में काला है। सच बता, तू वहाँ तो नहीं गया था? अरे हाँ मम्मी, वहीं से होके आ रहा हूँ। वहीं से? यानी कहाँ से किशोर भैया? चंदा मामा के वहाँ। सच? तुम चंदा मामा के वहाँ गए थे? चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। आँखें हैं उसकी चंचल सितारे, बिजली से उजली उसकी जवानी। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। चांदी सा झिलमिल महल वो हसी, जिसमें बसी है एक नाजनी। हमने जो देखा तो आया यकीन, दुनिया में उस जैसा कोई नहीं। उसकी अदाएं सबसे जुदा है, उसकी झलक पर दुनिया दीवानी। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। रथ पर निकलती है वो, बिजली के डोले में चलती है वो। इंदर धनुष उसकी अंगड़ाई है, चंदा भी उसकी ही परछाई है। बातें करे तो झड़के है मोती, पूछो न उसकी जादू बयानी। चंदा के देश में रहती एक रानी।
संवरती है वो, हर फूल में रंग भरती है वो, धरती के राजा पे मरती है वो, बच्चों से भी प्यार करती है वो, चंदा में देखो काते चरखा खत्म हुई अब अपनी कहानी, चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। अरे भाई पप्पू, आज तुम्हारे बगैर हमें शहर में बिल्कुल मजा नहीं आया। बस मुझे मस्ता पॉलिश नहीं चाहिए। अच्छा, आपके इंतजार में खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे। अच्छा तो लाओ हम तुम्हारे पैर चला दे। ये खुशामत फिर कर लीजिएगा, पहले ये बताइए आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? पहले हम खाना खाएंगे, पप्पा बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भाई पहले खाना, देर होने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है, खाने की टेबल पर ही सुनाएंगे। चलो। वाह पापा, सूप तो बड़ा मजेदार है। हाँ बेटा, भूख लगी हो तो रूह का फीका भी बड़ा मजेदार लगता है, देर हो जाने से आज भूख तुम्हारी चमक गई है। मगर पापा वो दिलचस्प बात तो सुनाइए। आज बगीचे में एक लड़के को तीन चार गुंडों ने बुरी तरह मारा और हमें गवाही के लिए जाना पड़ा। उसे क्यों मारा बड़े साहब? किसी स्कूल की लड़की से छेड़छाड़ और प्रेम का मामला था। आजकल स्कूल के लड़के लड़कियां तो बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं। क्यों मीना? मुझे क्या मालूम, मैं कोई बिगड़ी हुई हूँ? नाराज न हो बेटी, ये सच कहता है। एक दिन शर्मा जी हमसे कह रहे थे कि बच्चों को आजादी देनी चाहिए, आज उसी शर्मा जी का आजाद बेटा नरेंद्र इतना पिटा कि हड्डियां टूट गई होंगी। क्या हुआ बेटी? गले में हड्डी अटक गई होगी। दर्द ज्यादा तो नहीं है बेटा? मुझे अपने दर्द की परवाह नहीं बाबूजी, मगर मगर क्या बेटा? ये जो कुछ हुआ तो क्या हुआ, सीधा रास्ता चलते हुए आदमी के पैरों में टांग अड़ाकर कोई अचानक गिरा दे तो वो क्या करे, ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं बेटा, इसका ख्याल न करो। कैसे ख्याल न करूं, जिस बात को मैंने आज तक आपसे छिपाए रखा अब वही बात मुझे पुलिस के सामने कहनी पड़ेगी, और शायद उस लड़की का नाम भी पता ना पड़ेगा जिसे मैंने अब तक छिपाए रखा। कौन है वो लड़की? कौन है? आया आया। अरे मीना, क्या बड़े साहब ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नरेन, कहाँ चोट आई है तुम्हें? नरेन, मेरे ही कारण उन गुंडों ने तुम पर हमला किया, मैं बहुत बुरी हूँ नरेन, मैं बहुत बुरी हूँ। मीना जाओ बेटा। इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे आई? रात ही क्या, मैं अपने नरेन के लिए तो आंधी और तूफान का भी मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुंचती। शाबाश बेटी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम बड़े साहब से पूछ कर आई हो? नहीं। क्या बड़े साहब घर में नहीं थे? थे, लेकिन मैं अब उनसे नहीं डरती, मैं यहाँ रोज आऊंगी और इसी तरह आऊंगी। ये बुरी बात है बेटी। आप लोगों को हम जवानों की कौन सी बात भली मालूम होती है, आपको तो हम लोगों को रुलाने में ही मजा आता है, लेकिन मैं ये अब किसी की एक न सुनूंगी। नरेन, नरेन तुम अपने बाबूजी से कह दो वो मुझे यहाँ आने से न रोके, न रोके नरेन, न रोके। बेटी मैं सब समझता हूँ, लेकिन आधी रात गए तमाम बंधनों को तोड़कर तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा। नहीं, मैं इनको छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। नरेन, अपने बड़े बेटे अशोक ने तो निश्चय किया है कि जब तक पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं होती वो शादी नहीं करेगा, लेकिन किशोर और मीना के लिए पढ़े लिखे ऊंची जात और बड़े घराने के रिश्ते तलाश करो, उम्मीद है कि तुम मुझे जल्दी ही जवाब दोगे।
सही है शर्मा जी, क्या बात है, आप कुछ खोए खोए से दिखाई देते हैं। लड़के की तबीयत तो ठीक है ना? जी भगवान की दया है बड़े साहब, लेकिन अब तो आपकी दया दृष्टि का उम्मीदवार हूँ। हमारी दया दृष्टि? जी हाँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपकी एक हाँ मेरे जीवन के पतझड़ में बाहर ला सकती है। आप तो कवि बनते जा रहे हैं शर्मा जी। कवि तो नहीं, अपने बेटे के लिए भिखारी बनकर आया हूँ आपके द्वार पर। क्या बेटे को नौकर कराना चाहते हैं आप? जीवन भर के लिए उसे आपका दास बनाना चाहता हूँ। दास याने? अपने बेटे नरेंद्र और बेटी मीना की शादी। शर्मा जी, क्या भंग पीकर आए हो जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हम मोहब्बत से पेश आते हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम गुस्ताखी पर उतर आओ। ये गुस्ताखी नहीं है बड़े साहब, एक बाप के प्यार भरे दिल की पुकार है, और मेरे जीवन भर की दौलत मेरा बेटा है। दौलत? हर एक बाप के लिए उसका बेटा दौलत ही होता है, लेकिन आज के जमाने में सबसे बड़ी दौलत इज्जत और तालीम है। बताओ कौन सी इज्जत तुम्हारे बेटे ने कमाई है जो तुम हमसे हमारी बेटी मांगने आए हो? कौन सी तालीम उसने हासिल की है? क्या वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, क्या है वो? लेकिन बड़े साहब, गरीब घर में जन्म लेना तो कोई जुर्म नहीं है। गरीब घर में जन्म लेना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीबी में पड़े रहना बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान तो भगवान की सबसे बड़ी रचना है, और इस तरक्की के जमाने में वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो अपनी शक्ति और हिम्मत से हवा और पानी को बांध सकता है, आकाश में उड़ सकता है, चांद और सितारों की दुनिया फतह कर सकता है, तो गरीबी भी दूर कर सकता है। सब लोगों में एक ही जैसे गुण नहीं होते बड़े साहब। हो सकता है कि मेरे बेटे में अमीर बनने की शक्ति और हिम्मत न हो, पर वो शराफत और इंसानियत के गुणों से भरपूर है। तुम उस लड़के को शरीफ कहते हो जिसे एक आवारा लड़की को छेड़ने के कारण गुंडों ने पीटा? वो लड़की आवारा नहीं है, और मेरे लड़के ने तो उसे गुंडों से बचाने की कोशिश की थी। बाप के प्यार ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है शर्मा जी, वरना तुम अपने लड़के की बेहुदा हरकतों के लिए फजूल बहस न करते। मैं बहस नहीं करता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बड़े साहब। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं? प्रेम का मतलब भी समझते हैं वो? इस उम्र में हर एक लड़के लड़की का दिमाग खराब हो जाता है, जो भी उनके सामने आ जाए उससे प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन ये प्रेम नहीं, बचपना है, बीमारी है, पागलपन है, और इस पागलपन को प्रेम कहना तुम जैसे जहां दीदा इंसान को शोभा नहीं देता। जाओ नरेंद्र के दिमाग का इलाज कराओ, और मीना के बारे में हमारा विश्वास है कि शहद की मक्खी फूलों को छोड़कर कभी कचरे पर नहीं बैठ सकती। अगर ये बात है तो मैं समझता हूं अब मैं यहां काम नहीं कर सकूंगा। आपकी मर्जी, हमारी तरफ से इजाजत है। अच्छा, नमस्ते। इस खत को इसी वक्त एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज दो। जी बहुत अच्छा। पापा, पापा। क्या बात है अशोक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अभी अभी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस से खबर आई है कि पहाड़ों पर बड़ी जबरदस्त बरसात हो रही है, और पहाड़ी इलाके के पानी की रोकथाम करने वाली पार्टी ने भी हमें टेलीफोन पर खतरे से आगाह किया है कि वो लोग इस तूफानी पानी को 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकेंगे। पापा, वो नहीं रोक सकेंगे तो हमें बांध के बचाव का कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे पानी का रुख बदल जाए। मगर इस काम के लिए तो हमें हमारे नफा नुकसान की परवाह न करो, एक की जगह 10 रुपए खर्च करो, जितने चाहो उतने मजदूरों का इंतजाम करो, जोर जोर लगाओ, मगर इस काम को फौरन अंजाम दो, वरना आने वाले सैलाब में बांध की बुनियादें तो खिल जाएंगी और लाखों इंसानों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सैकड़ों घर तबाह हो जाएंगे और हजारों इंसान डूब जाएंगे। आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं सरकार, जिस काम को हमें 14 दिन चाहिए उस काम को हम 4 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं? ये काम तुम्हें 4 दिन में ही पूरा करना होगा, मजदूरी भी तुम्हें 10 गुनी मिलेगी, 10 गुनी। तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग उठते क्यों नहीं? हजूर माई बाप, रुपए किसे प्यारे नहीं है, आप तो हमें 1 की बजाय 10 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमें यूँ रात दिन काम करने की हिम्मत नहीं है। भैया, इस वक्त आपके रुपयों से काम नहीं चलेगा, इन्हें काम करने पर उभारने के लिए रुपए नहीं, अपने दिल की धड़कने, अपने दिलों का संगीत चाहिए। बेवकूफ, ये संगीत का नहीं साइंस का जमाना है, आग पानी बिजली भाप पेट्रोल और मशीनों का जमाना है,
ऐसे जमाने में तुम्हारा घटिया किस्म का संगीत क्या कर सकता है? तो तुम्हारा जोर और दर्द भी कुछ नहीं कर सकता भैया। बजाय मेरी मदद करने के मेरे काम में रोड़े अटका रहे हो। मैं अभी जाता हूँ और बड़े साहब से कहकर तुम्हारा दिमाग ठीक कराता हूँ। जोर हुकूमत पैसा रुपया कुछ भी काम ना आए, अरे तन में मन की बीन बजे तो काम सफल हो जाए। चाहे कोई जोर लगा ले, चाहे कोई दर लगा ले, काल बिना बेजान है जीवन, काम न बनने वाले। चाहे कोई जोर लगा ले, चाहे कोई दर लगा ले, चाहे कोई जोर लगा ले, चाहे कोई दर लगा ले, काल बिना बेजान है जीवन, काम न बनने वाले। चाहे कोई जोर लगा ले, जोश में जिस दम आए, सात सुरों के सातों राजा जोश में जिस दम आए, पत्थर पे बगिया लहराते महल खड़े हो जाए, बाजे नगारा हिम्मत आए, बाजे नगारा हिम्मत आए, काम करें दिल वाले, काम करें दिल वाले। चाहे कोई बनाए, हाथ हमारे जल्दी मशीने, हाथ हमारे जल्दी मशीने, कभी न थकने वाले, कभी न थकने वाले। चाहे कोई जोर लगा ले, चाहे कोई दर लगा ले, चाहे कोई जोर लगा ले, चाहे कोई दर लगा ले, काल बिना बेजान है जीवन, काम न बनने वाले। चाहे कोई जोर लगा ले, झंडा गैरों को पीछे हटाए, ताल की मस्ती ऐसी मस्ती, ताल की मस्ती ऐसी मस्ती, चलते हैं फौज रसाले, चलते हैं फौज रसाले। चाहे कोई जोर लगा ले, चाहे कोई दर लगा ले, ताल बिना बेजान है जीवन, काम न बनने वाले। चाहे कोई आज हमें विश्वास हुआ अशोक कि हमारा बेटा इंजीनियर बनने के लिए नहीं संगीतकार बनने के लिए पैदा हुआ। हम उसके संगीत का शौक पूरा करेंगे। यह है राजकुमारी जयगढ़ तुम्हारे भाई किशोर के लिए, और यह है राजकुमार विजयनगर तुम्हारी प्यारी बहन मीना के लिए। तो क्या ये दोनों रिश्ते मंजूर हो गए हैं पापा? अरे भाई मंजूर ही नहीं, उनकी तरफ से तो शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। तो चलो पापा, हम सबसे पहले ये खबर मम्मी को सुना दें। हाँ चलो जल्दी चलो। पत्ता
आप तो खामखा घबरा रही हैं बहन। जो कुछ आपने किया है वो बच्चों के भले के लिए ही तो किया है। सच पूछिए तो खानदान को बदनाम होने से बचा लिया है आपने। जरा सोचिए तो सही, अगर ये शादी न होती और बच्चे कहीं भाग जाते तो फिर क्या होता? लेकिन ये सब बातें बड़े साहब को कौन समझाए? बड़े साहब की चिंता न कीजिए, जैसे आपके दिल में माँ की ममता है वैसे उनके सीने में भी बाप का प्यार भरा दिल है। वो हजार बिगड़े, लाख गुस्सा हो, नाराजगी दिखलाएंगे, लेकिन जब बच्चे सेहरा बांध कर उनके चरणों में झुकेंगे तो मुझे विश्वास है बहन जी वो उन्हें माफ करके सीने से लगा देंगे। मेरे बच्चे ये मेरे दिल की आरजू है माँ कि हमारी शादी की ये लड्डू सबसे पहले बड़े साहब ही खाएं। तुमसे कोई गलती हो गई, तुम पापा से डर रही हो, पापा तुम्हें गुस्सा करेंगे। तुम मत डरो मम्मी, आज मैं तुम्हारे लिए पापा से लड़ूंगा, आने तो दो पापा को आज। हेलो, अरे बाप रे, पापा आ गए। ओ, तुमने भी लड्डू मंगा लिए और हम भी मिठाई लेकर आ गए। क्या हमारे दिल की धड़कनें हमारे खुशखबरी सुनाने से पहले ही तुम्हारे दिल तक पहुंच गई? बेटा अशोक, इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। जी हाँ, जरूर होती है पापा। लो पारो, मुंह मीठा करो। नहीं, पहले ये, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है पारो? ये तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? कुछ नहीं, आपकी खुशी देखकर मैं पागल सी हो गई हूँ। खुशियों में पागल होना मुबारक हो पारो। सोचती हूँ कहीं या न कहूँ। अब तुम न भी कहो तब भी हम समझ गए, इस शहनाई की मधुर आवाज ने हमारी तरह तुम्हें भी बेकरार कर दिया है। लेकिन अब वो घड़ियां दूर नहीं पारो जब हमारे घर में भी विवाह के बंधन बांधे जाएंगे। इस आंगन में ढोलक बजेगी, दरवाजे पर शहनाई गूंजेगी। लो ये तस्वीरें भी देखो, एक सूरज है तो दूसरी चांद। अपनी किस्मत पर फख्र करो पारो कि अब इस घर में राजकुमारी जयगढ़ अपने बेटे किशोर की दुल्हन बनकर आएगी और हमारी बेटी मीना विजयनगर के राजकुमार के महलों में रानी बनकर जाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो रहे हैं। अब तो हमें जल्दी शादी की तैयारियां करनी है। भगवान, ये कैसे होगा उनकी शादी? तुम घबराओ नहीं पारो, सब काम जल्दी हो जाएंगे। बेटा अशोक। जी पापा। तुम पन्ना जौहरी के यहाँ जाओ और उनसे कहो कि सब कीमती जेवरात लेकर यहाँ जाए, और मगनलाल क्लॉथ मर्चेंट से कह दो कि यहाँ कपड़ों का ढेर लगा दे। ये शादियाँ बड़ी धूमधाम से होंगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम फिक्र न करो पारो, बच्चा होशियार है, सब सामान सोच समझ कर ही लाएगा। थैंक यू पापा। पन्ना लाल जौहरी, मगन लाल क्लॉथ मर्चेंट, याददाश्त। पापा, ये कौन है अशोक? पड़ोस वाले होंगे, उनके यहाँ शादियां हुई है ना, आशीर्वाद लेने आए। याद आया, याद आया, इन्होंने हमें बुलाया था लेकिन हम में से कोई भी नहीं जा सका। अरे पारो, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? लाओ शरबत, लाओ मिठाई, लाओ घर आए मेहमानों का स्वागत करो। आओ आओ बच्चों, हमारे नजदीक आओ। तुम लोग यहाँ आए हमें बहुत खुशी हुई।
बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनकी तुम औलाद हो। ईश्वर करे तुम सदा फूलो फलो आबाद रहो, सूरज बनकर चमको, चांद बनकर जगमगाओ। नरेंद्र और मीना, किशोर और लता, पार्वती, तुम्हारी आंखें भी वही देख रही हैं जो हम देख रहे हैं। इन्हें गुस्से की नजर से न देखिए बड़े साहब, ये अपने बच्चे, इन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। अच्छा, तो ये सब नाटक तुम्हीं ने रचाया, तुमने हमसे धोखा किया, बेवफाई की हमसे। अरे जालिम, पति के सीने में खंजर भोंकते हुए तुझे दया नहीं आई, तू इतनी बदल गई। हम तो तुझे अपनी आत्मा का एक रूप समझते थे, मगर तू पत्नी के रूप में पापन निकली। ऐसा न कहिए बड़े साहब, आपकी पत्नी ने अपने बच्चों को आवारा होने से बचाया है, ये कोई पाप नहीं किया। मेरा पाप बच्चों की ममता है बड़े साहब, मैं इन्हें तड़पता से सिकता हुआ नहीं देख सकती थी। और तुम हमें घायल होकर मरते हुए देख सकती हो। ना करें, मेरी चाहत को गलत न समझिए। हम तुम्हारी चाहत को खूब समझते हैं, ये तुम्हारी चाहत का ही तो अदना नमूना है कि दो टके का इंसान हमारे सामने खड़ा होकर हमें पत्नी और माँ का भेद समझा रहा है। इन नाफरमान सिरों पर जूतों के हार की बजाय तुमने फूलों के सहरे बांध दिए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूर जाओ। ये आपने क्या किया? मम्मी ने तो मेरी मांग में सिंदूर भरा और आप उस सिंदूर में आग लगा रहे हैं। इन फूलों को पैरों से न कुचले बड़े साहब, ये मेरे सुहाग के फूल है। तुम लोग सब इसी काबिल हो कि तुम्हें यूं ही कुचल दिया जाए। तो क्या आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे? कभी नहीं। तो फिर हम क्या करें बड़े साहब? अपनी माँ के साथ सड़कों पर बैठ कर भीख मांगो। आप हमें इतना कमजोर न समझिए, भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इन सबका पेट भर सकता हूँ। ये सब कच्ची नींद के सपने हैं, अभी दिल्ली दूर है किशोर। दिल्ली दूर होगी, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा संगीतकार बनूंगा। तुम क्या बनोगे और क्या नहीं, ये तो कातिब तकदीर ही जानता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस दुनिया के जहरीले माहौल में तुम जहर बनकर रह जाओगे, तुम्हारा जीवन शराफत और इज्जत से हमेशा खाली रहेगा। माँ की गोद, माँ की ममता, इन्हें सब कुछ देगी। तो जाओ दे दो इन्हें सब कुछ, लेकिन हमारे दरवाजे से इन्हें इसी वक्त निकाल दो। दया कीजिए, क्षमा कर दीजिए बड़े साहब, क्षमा कर दीजिए। आपके सिवाय कौन है हमारा, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से दूर हो जाओ। इन पर दया कीजिए बड़े साहब, अपनी छत्र छाया से इन्हें दूर न कीजिए, क्षमा करके इन्हें इस घर में जगह दे दीजिए। इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये मेरा घर है। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। तो तुम्हें भी इस घर को छोड़ना होगा। मैं घर भी नहीं छोड़ सकती, ये हमारा आखिरी फैसला है। ये आपका फैसला नहीं, अन्याय है। तुमने कौन सा अन्याय किया हमसे? तुमने हमारी उम्मीदों का खून किया, हमारी दूरंदेशी को जुटलाया, हमारे उसूलों को ठुकराया, तुमने हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ कर दिया। जाओ, हम तुमसे बेजार हो गए। आपके चरणों से दूर मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं? कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी काली सूरत हमें न दिखाओ। बहुत हो चुका मां, चलो अब यहां से चले। इसे कहां ले चली, क्या इसे भी बर्बाद करना चाहती हो? आओ बेटा पप्पू, इधर आओ, छोड़ दो अपनी मां का हाथ, आ जाओ हमारी गोद में। क्या अपनी मां के साथ नहीं चलेगा? नहीं बेटा, अपनी मां के साथ न जा, ये मां तुझे बाप के साथ से महरूम कर देगी। पप्पू, तेरी मां तुझे बुला रही है, ये बाप तुझे मां की गोद से दूर कर देगा। आ जा बेटा, आ जा।
कितना शरीर है ये बच्चे। देखा मिस लीली, मेरा निशाना कितना तेज है, गेंद लगते ही आप गेंद बन गए। उफ पापा, आपने तो मेरे सब कपड़े दिए। अरे हाँ, आज आप अपने पापा के पतलून पहनकर नहीं आई? और आज आपने भी तो निकर नहीं पहना। हाँ, वो निकर तो पापा के घर रह गया। अच्छा, मैं मिस्टर किशोर से मिलने आई हूँ। वो अंदर है, आइए। आप हमेशा किशोर भैया से मिलने आती हैं, कभी मुझसे भी मिलने आया कीजिए ना, मैं आपको क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। अच्छा अच्छा। किशोर भैया, आपसे मिलने मिस बिल्ली, नहीं नहीं नहीं, मिस लीली आई है। लीली आ। लीली, बहुत दिनों में आई तुम। शादी के मौके पे मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। भाई शादी तो सब करते हैं, मगर हम औरतों की तरह घर की शोभा बनकर तो नहीं रह जाते। मालूम होता है तुमने लता से नहीं, लता ने तुमसे शादी कर ली है। भाई खूब बात की तुमने। लता सुना तुमने? मुझे सुनने की फुर्सत नहीं है। ऐसे क्या काम है जो तुम्हें फुर्सत नहीं है? ना खुद आते हो और ना कभी बुलाते हो। बेकार हूँ लीली, दिन भर काम की तलाश में। तुम फिक्र न करो, हम एक नाटक कंपनी बनाएंगे। तुम्हारी आवाज में असर है, उंगलियों में जादू है, और मेरी अदाओं में बिजली की तड़प, निगाहों में शराब की मस्ती और पैरों में घुंघरुओं की झनकार है। जब ये सब चीजें एक हो जाएंगी तो दुनिया की जबान पर लिली और किशोरी का नाम होगा। हाँ, और फिर बड़े साहब को मालूम हो जाएगा कि उनका नालायक बेटा कितना लायक है। इतना ही नहीं, तुम एक मशहूर कलाकार बन जाओगे। अभी तो दुनिया तुम्हारे बाप के नाम से तुम्हें पहचानती है, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से तुम्हारे बाप को पहचानेगी। थैंक यू लिली, थैंक यू वेरी मच। याद रहे ये हाथ छूटे ना। अब मैं थिएटर की तैयारियां करती हूँ। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा अब मैं चली। क्या जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरूर आऊंगा। कल मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों क्या? कुछ नहीं, बस आप नहीं जा सकते, अगर गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे वाह, लिली से मिलोगे तो खाना नहीं खाऊंगी, लिली से बात करोगे तो रूठ जाऊंगी, लिली से हंसोगे तो रो दूंगी, ये अच्छी तो है। मैं क्या बुरा कहती हूँ, यही तो कहती हूँ, ज्यादा लिली से मिलोगे तो आवारा हो जाओगे। मैं कोई बच्चा हूँ जो आवारा हो जाऊंगा? अच्छी मुसीबत है, वहाँ बड़े साहब की कैद थी, यहाँ महारानी लता की पाबंदी है। आपको तो मेरी कहीं बुरी लगती है। मगर ये तो बता, उससे मिलने में नुकसान क्या है? तो फायदा कौन सा है? वो तो बेचारी मुझे काम दिलाना चाहती है। अरे वाह, अच्छे मर्द हैं आप, काम लेने के लिए औरत का सहारा ले रहे हो, और वो भी पराई औरत का। वो पराई औरत नहीं, वो एक कलाकार है, और एक कलाकार दूसरे कलाकार की सहायता करना अपना फर्ज समझता है। अब चाहे वो सहायता मर्द करे या औरत, कलाकार की नजर में सब बराबर है। यानी आपकी नजर में मैं और लिली बराबर है? तुम कलाकार नहीं हो। फिर क्या हूँ मैं? एक हुज्जती बीवी। आपके भले के लिए कहती हूँ तो हुज्जत समझती हैं आप। आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे आप लिली के पास चाहे लफंगों में जाके नाचे। अच्छा महारानी, भगवान के लिए अब ये व्याख्यान बंद करो। मेरी बात व्याख्यान लगती है, और लिली कहती है तो कहते हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं जरूर आऊंगा। तुमने उसे इनकार क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं कह दिया कि मैं तुम्हारी शहर पर नहीं नाचूंगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा? अच्छा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बस। लेकिन ये परे साहब की तरह मुझे लेक्चर ना पिलाओ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। के पांव धोने के बाद फिर तुम्हें ठंडा पानी रखती है। तुम तो जानती हो कि ठंडे पानी से उन्हें जुकाम हो जाता है, और गर्म पानी से उन्हें बुखार हो जाता है। बुखार तो नहीं होता, लेकिन ठंडे पानी से पांव धोने की उन्हें बिल्कुल आदत नहीं है। और ऐसे बाल्टी उठा के देने की मुझे भी आदत नहीं। अपने घर में तो मैं एक सुई तक नहीं उठाती थी। सच, ये शादी भी कितनी अजीब चीज है। शादी से पहले
मर्द औरत के हाथों में फूल लगता है और शादी के बाद उन्हीं हाथों में झाड़ू पकड़ा रहता है। इसी का नाम तो खरखरस्ती है रानी। रानी नहीं बांदी कहो बांदी। दूसरे घरों में से लड़कियाँ शादी के बाद छह छह महीने तक पलंग से कदम नीचे नहीं रखती और यह बर्तन मांजते मांजते हाथों की मेहंदी तक उतर गई है। मसाला पीसती हूँ तो मिर्चें लगती हैं। देखो कितने जख्म हो गए हैं हाथों में। तो लाओ इन जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगा दूं। हाथ सीने पे जो रख दो तो करारा जाए। अभी ठंडे पानी से नहाओगे ना तो सब करार आ जाएगा। चलो ये भी मंजूर, लेकिन शर्त ये है कि दोनों। और अगर वो आ गए तो? दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मतत्व निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया। अरे बहू चूल्हे पे तरकारी जल रही है, जरा देख तो सही बेटी। देखा आ गए ना बीच में। मैं पूछती हूँ कि चार दिन तक तुमको जुकाम था फिर ये तरकारी जलने की बात कहाँ से आ गई? अरे चुप, अपने ससुर को ऐसा कहती है? और ससुर भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देते। देखो जब कुछ ना कुछ नसीब करते ही रहते हैं। ऐसे बोल, वो देख वो देख वो पतीले में से धुआं उठ रहा है। उठने दो, मैं क्या करूं? जाना जा। आप कौन महाशय हैं? देखिए साहब आप मेरी इंसल्ट न कीजिए, मैं महाशय नहीं, मैं तो कलाकार हूँ। आप कलाकार हैं? कौन सी कला है आपके पास? काबर लापानी तंबाकू दोनों बैठे मजे में पी गुड़ गुड़ का दिगिन थे गुड़ गुड़ का दिगिन थे गुड़ गुड़ का दिगिन थे। हमें हुक्कर पानी की कला नहीं चाहिए। फरमाइए आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? हम कुछ आपको मिलने के लिए तशरीफ नहीं लाए हैं, हम तो मिस लीली को मिलने के लिए तशरीफ ले आए हैं आपके मुंह में। हाँ क्या तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? पीछा तो मरने के बाद ही छूटेगा लीली, लेकिन आज मैं शादी की दरखास्त लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो ये कहने आया हूँ कि वो किशोर बेचारा आज महीनों से बेकार घर में बैठ कर मक्खियां मार रहा है आपके मुंह में। देखिए ना हैदराबाद की तीन चीजें मशहूर हैं, एक तो बिरयानी, दूसरी शेरवानी और तीसरी परेशानी। तो बिरयानी का बंदोबस्त आप कीजिए, शेरवानी का बंदोबस्त मैं किए देता हूँ और परेशानी तो उन बिचारों के पास है ही। मैंने तो उसे सभी कुछ देना चाहा, काम नाम और दाम, मगर वो मेरे पास आता ही नहीं तो मैं क्या करूँ? अब और मैं क्या बताऊँ? सच जानो लीली, वहाँ तो चार दिन से चूल्हा भी नहीं जला। पहले आप दूध पिलाती थी फिर चाय पिलाने लगी और अब सुबह सुबह मुझे पानी पीने को कह रही है। पानी भी कोई नाश्ता है? पानी से पेट थोड़ी भरता है, पानी तो सिर्फ नहाने और कपड़े धोने की चीज है। मम्मी आप बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों? एक तो खाने को कुछ नहीं देती और ऊपर से गुस्सा करती है मुझे। बस गुस्सा नहीं मेरे लाल, मैं कुछ पर गुस्सा नहीं करूं। मैं क्या करूं? आपको जरूर कुछ करना ही होगा। संगीत आपका ही पेट नहीं भर सकता तो आप ये भाई और माँ को कैसे पालेंगे? और फिर अब मैं भी माँ बनने वाली। कैसे पर संगीत का प्रोग्राम तो सुना ही होगा तूने, और पप्पू भी खूब जी लगा कर पढ़ रहा है। शाबाश पप्पू, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? स्कूल के दावे तो है ही नहीं। नहीं लेने जा रहे हैं भैया। अच्छा ये बन मुट्ठी खोलो तो सही, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बस टॉफी और कुछ नहीं लाया किसी तरह। ओहो समझा, हमारे पप्पू के लिए गेंद बल्ला चाहिए। क्यों? नहीं नहीं मुझे गेंद बल्ला नहीं चाहिए, तोर की भूख लगी है। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि वो इस वक्त अगर अपनी कन्नी का फल भुगत रहे हैं तो मुझे इस बात का जब्ती पर भी दुख नहीं है। मुझे विश्वास है
कि आप अपने दिल से नहीं कह रहे हैं मालिक? क्या मैं नहीं देखता कि आप उनके बगैर कितने बेचैन रहते हैं, जीने से बेजार नजर आते हैं आप? केसरी, मैं कहता हूँ मालिक। हम कहते हैं चुप रहो केसरी। कैसे चुप रहूं, मुझसे उनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती मालिक। पप्पू का कुमलाया हुआ चेहरा और क्या बोलते, क्या हुआ हमारे पप्पू को? तुम चुप क्यों हो केसरी? आप ही ने तो चुप रहने का हुक्म दिया है मालिक। नहीं नहीं बोलो, हम अपने पप्पू की खैरियत सुनने के लिए बेताब हैं। बताओ केसरी। फर्श मखमल पर चलने वाले पैरों पर गलियों की आवारा धूल जम गई है मालिक। जिसे आप पलकों पर बिठाते थे वो पप्पू आज कांटों पर सो रहा है। फटे हुए कपड़े, गरीबी से मजबूर पप्पू आज चॉकलेट नहीं रोटी मांगता है मालिक, रोटी। बस करो केसरी, अब हमारे दिल में इतनी ताकत नहीं कि हम पप्पू की हालत और सुन सके। इश्क उन जालिमों ने लड़ाया, शादियां उन नाफरमानों ने की, संगीत का शौक इस मक्कार ने पूरा किया, लेकिन तुम्हारे प्यार का बलिदान दिया और बदले में उसे क्या मिला? जहालत, गरीबी और भूख। जुर्म मां भाई और बहन ने किया और सजा हमारे मासूम बच्चे को मिले? नहीं केसरी, ऐसा नहीं होगा। लो रुपए उन्हें दे दो और कह दो कि अगर तुम लोग अपनी गलती की माफी मांगते हो तो हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। जाओ ले जाओ, दूर करो इन कागज के टुकड़ों को, इस दौलत की दाल में हम फंसने वाले नहीं। जाओ कह दो बड़े साहब से कि तुम हमारी आजादी नहीं खरीद सकते, हमारे अन्नदाता नहीं बन सकते। हम कंगाल हुए तो क्या हुआ, बेगैरत नहीं? उठाओ ये दलील टुकड़े, देखते क्या हो, उठाओ इनको नहीं तो सर तोड़ दूंगा। किशोर तुम चुप रहो मां। उठा लो भैया स्कूल की किताबें और आपके लिए चॉकलेट भी लाऊंगा। पप्पू फेंक दे वरना हाथ तोड़ दूंगा। मैं पप्पा से कह दूंगा। पप्पा की धमकी देता, आइंदा बड़े साहब का नाम जबान पे लाया तो मुंह में अंगारे भर दूंगा, समझे? पप्पू को कुछ ना कहिए, मैं ही चला जाता हूँ। तू तो गुस्से में पागल हो जाता है, ये भी नहीं सोचता कि किसको क्या कह रहा है। वो है तो आखिर तेरे बाप ही, रुपए लेने में हर्जी क्या है, वो हमारे बड़े ही तो है। कैसे दादा, मेरे पैर में फिर दर्द होने लगा। पप्पा से बोलना कि मेरा पैर फिर कब दबाओगे, अपने पप्पा से कब मिलोगे? न रो बेटा न रो। कैसे दादा, पप्पा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? क्या बताऊं बेटा, लो ये छुपा लो, चुपचाप अपने मम्मी को दे देना, मिठाई मंगाना, गेंद बल्ला लेना। हाँ जाओ जाओ बेटा जाओ। आप तो औलाद की अधिकारी बनी थी, पति का नाम सुनते ही मोम की तरह पिघल गई, नोटों की झलक देखकर सबके घर टगमगाने लगी। पप्पू क्या छुपा रहा है? कुछ भी तो नहीं है, छोड़ दो मुझे। बता क्या है तेरे हाथ में? मैं नहीं बताऊंगा। तू ये नोट ले आया, बदमाश बेईमान भीख मंगे। हाँ। हट जा सामने से, अब अगर नजर उठाकर भी देखा तो आंखें लाल होंगी तेरी। इतना गुस्सा ना कीजिए आप, मैं ये नोट ले आती हूँ, अभी ले आती हूँ। तेरे हाथ टूटे तू मेरे बच्चों को मारता है, वैसे ही भूख से मर रहे हैं। आज तूने ये बता दिया बाप और भाई के प्यार में कितना फर्क होता है। बाप का प्यार याद दिला रही हो, पति की हमदर्दी के लिए तड़प रही हो। अगर इतनी कमजोर दिल और आराम तड़पती तो अपने घर में रहना था, मेरे साथ क्यों चली आई? क्या इसी दिन के लिए तेरे साथ आई थी कि तू मुझे ऐसा कहे? इस पर हाथ उठाए, कभी बड़े से बड़े बात पर उन्होंने इसे उंगली तक नहीं छुआई और तूने थप्पड़ मार दिया, इतना कठोर निकला तू। मैं तो तुझे बुढ़ापे का सहारा समझी हुई थी, लेकिन तूने मुझे बदनसीब बना दिया। एक तो वैसे ही जीवन मेरे लिए रोग बन गया है, ऊपर से तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। भूख बेकारी तुम्हारी चीखों पुकार ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। सिवाय हमें बुरा कहने के और आप करते ही क्या है? एक तो हम आपके सहारे पर पड़े हुए हैं, दूसरा आप भी दिन रात घर में पड़े रहते हैं, कमाते तो कुछ है नहीं। तुम लोग कमाने ही कहां देते हो, थिएटर में काम करना चाहते हो तो शराफत का डर दिखाते हो, बाप की इज्जत का वास्ता देते हो, बाप के उसूलों ने तो ये हरकत कर रखी।
अब मुझे किसी इज्जत विज्जत की जरूरत नहीं। कल हम यहां भूखे मर जाएंगे तो क्या इज्जत हमें बचाने आएगी? दौलत ही सब कुछ है, मैं दौलत कमाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना आप ही को क्यों ना बेचना पड़े। Thank you.
किशोर कुमार वाह, अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया। ये लीजिए आपकी पहले महीने की तनख्वाह। थैंक यू, मुबारक हो। दो तो हमारे और अशोक आ जाओ देखेंगे। दाव भी तुम हार गए तो क्या हुआ, एक दाव और हो जाए। चलो किशोर। जाओ नीना, 1000। चलो ये 300, 600, 900, 1000। आइए मिस लिली, तशरीफ रखिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप? यानी मैं आप? ओ, पहले थे तुम, अब तुमसे हम आप हो गए। ये तकदीर की खूबी है या हमारी नजरों की खराबी कि जिस कमरे से कभी हमें बेइज्जत करके निकाला गया था आज वहां हुजूर हमारा इस्तकबाल फरमा रहे हैं। देह किस्मत कि आज सरकार को हमारा ख्याल तो आया, ये तो महसूस हुआ कि हम भी कुछ हैं। तुम जो कुछ हो वो हम अच्छी तरह जानते हैं। शुक्रिया, इस शनासाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाजारी अंदाज गुफ्तगू को देखने के लिए हमने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो माफ कीजिए, मैं भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आपका मगरूर चेहरा देखने नहीं आई। ठहरो मिस लिली, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मेरा वक्त आपके वक्त से ज्यादा कीमती है। हम तुम्हें तुम्हारे वक्त की कीमत देंगे। ओ, तो आप मोल करना चाहते हैं? हाँ, एक अनमोल रत्न तुम्हारे पास है जो बदकिस्मती से हमारा बेटा है। आज वो तुम्हारे सहारे पर हमारे नाम को बदनाम कर रहा है। तुम चाहो तो हमारे खानदान की इज्जत को उस गंदी सोसाइटी में नीलाम होने से बचा सकती हो। बस यही कहने के लिए मुझे बुलाया था? नहीं, हम दौलत भी दे सकते हैं। इस चेक पर सिर्फ हमारे दस्तखत हैं, तुम जितना चाहो रुपया ले सकती हो। सोच क्या रही हो मिस लिली, लिखो रकम, सौदा बुरा नहीं। मैं कोई सौदागर नहीं जो दौलत के बदले किशोर को दे दूं। किशोर तो खुद एक दौलत है जिसके जाने से आप कंगाल हो गए। वो दौलत देकर मैं कंगाल होना नहीं चाहती। ये वक्त वक्त की बात है कि तुम गरज रही हो और हम बरस नहीं रहे, वरना तुम्हारी इतनी मजाल कहां थी कि तुम हमसे नजर मिलाकर बात कर सको।
खैर, हम समझते हैं कि तुम इतनी बिगड़ी हुई औरत नहीं जितनी दिखाई देती हो, और हमें यकीन है कि तुम्हारे दिल में भी औरत की शराफत जरूर जिंदा होगी। हम तुम्हें उसी शराफत का वास्ता देते हैं कि लता की हालत पर गौर करो। गरीब लता, जिसका जीवन पति के होते हुए भी विधवा से बदतर बन गया है, क्योंकि किशोर को तुमने खिलौना समझकर उससे छीन लिया है। कोई किसी को नहीं छीन सकता बड़े साहब, आप तो तजुर्बेकार और जमाना शनास हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मर्द अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में क्यों झांकता है, वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत का क्यों बन जाता है? जवाब दीजिए, आप खामोश क्यों हैं? ये मर्द के कैरेक्टर की एक कमजोरी है। सिर्फ मर्द के कैरेक्टर की कमजोरी नहीं, इसमें बीवी और घर वालों का भी कसूर होता है। लता ने अपने रोने धोने और झगड़ालू तबीयत से किशोर को बेजार कर दिया। न उसे आपके घर में सुकून मिला, न उसे अपने घर में शांति मिली। आपने उसके जज्बात को ठुकराया, बीवी ने उसकी हिम्मत को कुचल दिया, बेकारी ने उसके विचारों को बदल दिया, तब वो मेरे पास आया। और तुमने उसे शराबी बनाकर शांति दी, आवारा बनाकर सुकून दिया, जुआरी और अय्याश बनाकर उसे अपने धक्का कलाकार बनाया। गिरते हुए को थामने के बजाय तुमने उसे और बर्बाद किया। मैंने उसे बर्बाद नहीं किया, वो बर्बाद हुआ है माहौल के जहरीले असर से, और उसके अपराधी आप हैं। हम? हाँ आप। अगर आप शुरू में ही किशोर के शौक की सरपरस्ती करते, उसका हौसला बढ़ाते, उसे अच्छा संगीतकार बनाते, तो आज वो गंदी सोसाइटी का कीड़ा ना बनता। ये सब कुछ आपके गलत उसूलों की वजह से हुआ। ना वो कामयाब इंजीनियर बन सका और ना ही काबिल संगीतकार बना। उसकी बर्बादी की जिम्मेदार मैं नहीं, आप हैं, आप और सिर्फ आप। जल्दी से पर्दा उठवाइए, नहीं तो गुस्से में भरी पब्लिक यहाँ घुस आएगी। और कलाकारों को स्टेज पर भेजिए। कहाँ से भेजूं? वो कम्बा किशोर अभी तक नहीं आया, न मालूम कहाँ मर गया। मैंने आपसे पहले ही कहा है मैनेजर साहब, वो कहीं अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मस्त पड़ा होगा। ऐसे ही नालायक कलाकारों ने कला को बदनाम कर रखा है, लेकिन अब होगा क्या? आप फिक्र न कीजिए मैनेजर साहब, मैंने किशोर से भी अच्छा हीरो तलाश कर लिया है। देखिए ये क्या काम करेगा? अरे अरे मैं वो काम करूंगा कि पब्लिक फूट पड़ेगी आपके मुंह में। मेरी शोहरत सुनकर जिंदा तो जिंदा मुर्दे से कफन फाड़ के यही गाया करेंगे आपके मुंह में, गलियां है गुलजार यार, आया करो जाया करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बेइज्जती करो। इसमें बेइज्जती की क्या बात है, बड़े चंगे तो है। अगर उन्हें नौकरी करने के लिए कहा तो इसमें कौन सी बेइज्जती हो गई? मेरे होते हुए वो क्यों नौकरी करे? तो घर का सब खर्च पूरा करो ना। जितना कमाता हूँ सब तो लाकर देता हूँ तुम्हें। इतने में खर्च पूरा नहीं होता। वो भी तो औरतें हैं जो सिक्कम में पूरा करती हैं। तो उन्हीं में से किसी को लाते, मुझे क्यों लाए? और तुम्हें भी किसी मालदार का घर देखना था, मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्या मालूम था कि हम दोनों के अलावा एक जिंदा मुसीबत भी होगी हमारे साथ। वो मेरे पिता है मीना, वो यही और इसी तरह मेरे साथ रहेंगे। तुम्हें रहना हो तो रहो, वरना चली जाओ यहाँ से। हाँ अब तो तुम यही कहोगे। जानते हो ना कि मैं ना अपने बाप के पास जा सकती हूँ और ना अपनी माँ के साथ सकती हूँ।
अगर मुझे मालूम होता कि तुम उस निकम्मे बूढ़े के लड़के हो। मीना, नरेन, ये कैसी बेवकूफी? तुम हाथ उठा रहे हो इस पर? कैसी लायक हो? दीवाने हो? ये तुम्हारी पत्नी है? बस बस, रहने दो अपनी ये चापलूसी। तुम्हारे एक अनिल ने उस पर हाथ उठाया है। अब तो इस घर में मैं रहूंगी या आप? मीना, अच्छा बेटा, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम ही रहो यहाँ। मेरा क्या, मैं कहीं भी पड़ रहूंगा, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा न करो। अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। ठीक है बेटी, ठीक है। क्यों करती हो शांति बहन? भगवान मेरे सुहाग को बनाए रखे, छोड़ दे मेरे बच्चे का हाथ। अरे है, सच्ची बात कही तो आंखें दिखलाने लगी। अली पड़ोसन है इसलिए मैं पकड़ लाई, नहीं तो इसका हाथ पुलिस में देने वाली थी। ऐसा क्या किया है मेरे बच्चे ने जो नाक चढ़ाकर बात कर रही है? आदि बच्चों को यही सिखाती है कि दूसरों का घर में चोरी करे और मंदिर का प्रसाद तक उठा कर मांग जाए। मंदिर का प्रसाद चाहिए बोलने तुम्हें चीजें जान से मांगूंगी। मम्मी, मैंने चुराया था लेकिन मुझे रामू ने कहा था चुराने के लिए। गाली सीखते सीखते आए है, पकड़ा गया तो हाथ उठाती है, चुप्पा से तेरी हथेली पकड़ देता तो सीने से लगा लेती। तूने मुझे कहीं का न रखा, आज मैं तुझे जिंदा ही काट दूंगी। ऐसी औलाद थी तो बे औलाद मार दे तू, मुझे मार दे, मार दे, मार दे। हाय राम, ये क्या नई विपता मुझ पर आई? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुझे? तुम मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। तेरी मीना परेशानियों से भाग के तेरे दामन में छुपने आई है माँ। तो मेरे दामन में छुपने आई है बेटी, लेकिन मेरा दामन तो पहले से ही तार तार है। मैं अपने आप को छुपा नहीं सकती, तुझे क्यों छुपाऊंगी? ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो, मुझे सहारा दो, सहारा दो। मैं खुद बेसहारा हूँ बेटी, मगर मैं तो तेरे सहारे की उम्मीद में। बोल, बोलती क्यों नहीं? मेरे सहारे की उम्मीद में तू क्या कर आई? क्या तूने भी थिएटर में नाचना शुरू कर दिया, शराब पी, जुआ खेला? क्या तूने भी पड़ोसन किया चोरी? नहीं माँ, नहीं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। तेरी बेटी निर्दोष है माँ, ये सारा दोष तो उस नरेन का है जिसने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन मुझे खुशी और आराम न दे सका। अब तुम्हें बताओ माँ, मैं ऐसे हालत में वहां कैसे रह सकती थी? क्या तू उस घर को छोड़ आई है? हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। ये तूने क्या किया? बेटे ने पति को छोड़ दिया, बेटी पति को छोड़ आई। अरे उस घर से निकलते हुए तेरे पांव टूट क्यों नहीं गए? मैं मजबूर थी माँ, अब तुम ही मेरी सहायता करो। मैं तेरी सहायता नहीं करती। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो, तुम तो जानती हो मैं बड़े साहब के यहाँ भी नहीं जा सकती। तुम मेरे यहाँ भी नहीं रह सकती। क्या माँ हो कि अपनी बेटी का साथ न दोगी? मैं वो जो पति को ठुकरा कर आई हुई बेटी को गले लगा। तो क्या मेरे संसार में कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं? अगर तुमने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ माँ? अपने पापों का प्रायश्चित कर, जा अपने पति के घर जा, उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांग ले, उस चौपट पर अपनी जान दे दे। शरीफ लड़कियाँ जिस घर में दुल्हन बनकर जाती है वहां से उनकी अर्थी ही निकलती है, तो फिर तुम्हारे पति के घर से तुम्हारी अर्थी क्यों नहीं निकली? मीरा, तुमने क्यों छोड़ दिया बड़े साहब को? उस घर से निकलते हुए तुम्हारे पाँव क्यों ना टूट गए? तुम्हारा हाथ क्यों ना दिया है आपेशा? ये तो मुझे कह रही, मुझे उस माँ को
जिसने औलाद के लिए क्या नहीं किया, अपनी दुनिया, अपना धर्म, पति, सब कुछ छोड़ा, अपना संसार मिटाया, दुख झेले, दुनिया की बातें से अपने बच्चों को फूलों के हार पहनाए, खुद ने कांटों के कंगन स्वीकार किए, क्या इसलिए कि मेरा ही खून होकर मेरी ही ममता का खून कर दो, मेरे बलिदान के बदले खुशियां नहीं गम दो? सच्ची बात कही तो जल उठी, अब औलाद को बुरा भला कहने लगी। जा, निकल जा यहां से, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। जा, कहीं जाके दूर हो।